हेलो फ्रेंड्स, पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चने की दाल की रेसिपी बताऊंगी, जो हम बिल्कुल देहाती स्टाइल में बनाएंगे इसको। तो ये देखिए, चने की दाल को मैंने बॉईल कर लिया है। इसको ज़्यादा घोलना नहीं है, मतलब इसका दाना टूटना नहीं चाहिए, बस ये बॉईल हो जाए, इतना दाना बचे इतना हमको बॉईल करना है। अब इसमें क्या क्या सामान हम डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने क्या क्या लिया है। लहसुन ली है 10 से 12 कली, 2 कली प्याज की ली है, दो गड्डी जो थी वो प्याज कट कर ली है, और प्याज को मैंने देखिए इस तरीके से कट किया है। और इसके बाद 6 से 7 हरी मिर्च थी जिसको मैंने काट लिया है लंबा लंबा, और ये हल्दी पाउडर लिया है मैंने, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर। इसके बाद ये देखिए कुछ खड़े मसाले लिए हैं, ये धनिया लिया है, जो साबुत धनिया हमारा आता है वो है ये, इसको मैंने हाथ से ऐसे मसल दिया है तो ये टूट गया है। इसके बाद ये जो है मैंने हींग ली है, हींग डालना इसमें बेहद ज़रूरी है क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद जीरा लिया है, और ये जो लाल मिर्च कुटी हुई आती है वो मैंने ली है, जो लाल मिर्च सूखी वाली कुटी हुई आती है वो मैंने ली है। तो चलिए बनाते हैं चने की दाल। ये देखिए मैंने गैस ऑन करके इस पर कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालना है क्योंकि चने की दाल में तली तभी आएगी, और जब तक चने की दाल में तली नहीं आती है चने की दाल अच्छी लगती है। तो रिफाइंड हमारा गर्म होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें, और मुझे बताएं कि आपको किस चीज़ की रेसिपी चाहिए, मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगी। रिफाइंड हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले जो जीरा हमने लिया था वो डालेंगे, और जो धनिया हमने लिया था उसको डालेंगे। दोनों चीज़ को अच्छे से, जिसकी चटक गए हैं दोनों, अब जल्दी से ये तीनों चीज़ जो हमने ली थी वो डालेंगे। अब इसको मंदी आंच में हमको भूनना है। ये देखिए मैंने इसमें हरी और लाल मिर्च दोनों डाली है, क्योंकि लाल मिर्च डालने से सब्ज़ी का जो है देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो इसको इसी तरीके से हमको चलाते हुए पकाना है। अब देखिए हम इसमें, ये मेरा भून गई है अच्छे से, ये देखिए। अब हम इसमें हल्दी पाउडर आधा से थोड़ा सा ज़्यादा है, आधा चम्मच से, धनिया पाउडर 2 चम्मच भर के, और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल देंगे। और डालने के बाद इसमें हम हल्का सा पानी जो है ऐड कर देंगे। बस इसको मंदी आंच में हमें चलाते हुए पकाना है, और इसी के साथ में हम जो मैंने लाल मिर्ची लिया था कुटा हुआ उसको डाल देंगे थोड़ा सा। अब हमको इन मसालों को अच्छे से भूनना है। देखिए मसाला हमारा भुन रहा है। अब हम इसमें जो मसाला हमारा आधा भुन गया है, तो इसमें हम हींग डालेंगे। हींग को आप तड़के में ना डाल के मसाले में डालेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत स्वाद आता है इसका, और पेट भी हमारा ठीक रहता है। बस इसी तरीके से हमें भूनना है, 4 से 5 मिनट तक भूनना है, इसके बाद ही हम इसमें दाल डालेंगे। मसाला हमारा भुन रहा है, तब तक दाल को हम अच्छे से मसल लेते हैं। अब ये जो दाल हमारी है इसको ये जो खल्लड़ में आता है इसकी हेल्प से हम ऐसे ऐसे करके दबाएंगे। आपके पास दाल को मसलने वाला भी कोई सामान हो, कोई इंस्ट्रूमेंट हो या फिर कुछ भी हो, आप उससे भी इसको ऐसे ऐसे करके, तो इससे क्या होगा, ये इसका जो दाना है वो आधा टूट जाएगा। आप इस तरीके से चने की दाल बनाइएगा, बहुत ही अच्छी लगती है।
इसी तरीके से मैं अपनी दाल को अच्छे से दबा लूँगी। देखिए दाल को मैंने अच्छे तरीके से मसल लिया है। इसमें काला काला जो दिख रहा है वो चने के दाने थे जिनको मैंने नहीं निकाला है। मैंने बोला निकाल के किस लिए फेंकना, इसलिए घर पे बनी हुई दाल है ये। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से दाल को मिक्स कर लिया। देखिए मसाला भी हमारा भून करके बिल्कुल तैयार है। थोड़ी देर और चला लेती हूँ मैं इसको, क्योंकि ये देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया है अपना। मसाला हमारा बिल्कुल भुन गया है अच्छे तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे दाल। देखिए दाल मेरी कुकर में है, मैं इसको इसमें पलट देती हूँ। देखिए दाल हमारी अच्छे से तड़का इसमें लग गया है। देखिए दाल मेरी कितनी अच्छी दिख रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप इसको चावल, बाजरे की रोटी, रोटी किसी भी चीज़ के साथ खाएं तो बहुत टेस्टी होती है। और इसको बनाएं भी। और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो लाइक करें प्लीज़, कमेंट करें। आप इस तरीके से दाल बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनेगी। और जिनके घर में चने की दाल नहीं खाई जाती, अधिकतर घरों में नहीं खाई जाती है, वो भी इस दाल को खाना सीख जाएंगे। दाल हमारी बन करके रेडी है। अब हमको इसको 5 मिनट तक गैस पर कम आंच पे रखना है, उबल जाए ताकि थोड़ी सी और गर्म हो जाए, बस फिर हम इसको बंद कर देंगे। दाल देखिए मेरी अच्छे से खटकने लगी है, उबलने लगी है। देखिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं और दाल को ढक देते हैं। तो ये देखिए मेरी गर्मा गर्म दाल परोसने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। तो बाय।